आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते चलन के बीच अब देश और दुनिया में चैट जीपीटी जैसे एआई इनेबल्ड स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग देशों की सरकारें इस पर चर्चा कर रही हैं कि किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाए। भारत सरकार में भी इस पर मंथन जारी है और सरकार इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रही है। भारत में इस बारे में जो भी कानून बनाया जाएगा वो दूसरे देशों के कानूनों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। G7 देशों के डिजिटल मंत्री भी इस मुद्दे पर गंभीरता से माथापच्ची कर रहे हैं कि इसके लिए किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। यही वजह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अलग अलग देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान चल रहा है। इससे जुड़े ऐप्स को लेकर मौजूदा चिंताओं में IPR, कॉपीराइट और एल्गोरिथम का मुद्दा शामिल है। ऐसे में सभी देश विचार कर रहे हैं कि क्या इस पर एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाए। दरअसल ये चर्चा चैट जीपीटी के हिट होने के बाद होने लगी है। चैट जीपीटी को स्टार्टअप कंपनी ओपन एआई ने विकसित किया है। इसे पिछले साल के आखिर में लॉन्च किया गया था और पहले 5 दिन में ही इसके 10 लाख से ज्यादा यूजर बन गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश किया है और अपने प्रोडक्ट्स में इसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। गूगल भी अपना जनरेटिव एआई टूल बार्ड विकसित कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर के रेगुलेटर्स इस तरह की टेक्नोलॉजी की बढ़ती लोकप्रियता, स्वीकार्यता और बढ़ते चलन से परेशान हैं। उन्हें चिंता है कि इससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है, फर्जी खबरें फैलाई जा सकती हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा सकता है और लाखों की संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है। यूरोपियन और अमेरिकन रेगुलेटर्स इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर लगाम कसने के लिए कानून बनाने पर पहले से ही विचार कर रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ ने अमेरिकी संसद में अपनी पेशी में बयान दिया कि पावरफुल एआई सिस्टम के खतरों को कम करने के लिए सरकार का रोल सबसे खास होगा। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से उनका जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। इसे लेकर दुनिया भर की तरह हम भी इससे चिंतित हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।